तारीख को जो किडनैपिंग की वारदात हुई थी, हमने उसमें अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और अभी एक अक्यूज उसमें एब्सकॉन्डिंग है और बहुत जल्दी उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पूरा मामला क्या था सर, पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्या? पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि अंकित नाम का लड़का है और ये तकरीबन 15-16 साल का, ये सुबह साइकिलिंग के लिए जा रहा था, वहाँ पे एक ब्रेजा गाड़ी में इसको किडनैप कर लिया गया। तो सर इसमें कौन कौन अक्यूज जो हैं अभी तक अरेस्ट किए? अभी तक हमने 4 अक्यूज इसमें अरेस्ट किए हैं, जिसमें पंकज है, विशाल है और एक रजत है और मुकेश है। सर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका अभी तक? अभी अजय का क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है, उसकी फैमिली का, नॉट श्योर अबाउट अजय, और बाकियों का अभी हम चेक करवा रहे हैं। हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है इसमें? चाकू एंड एक टॉय पिस्टल का है, चाकू हमने रिकवर किया, टॉय पिस्टल अभी बाकी है उसको। सर गाड़ी का फेक नंबर कौन सी गाड़ी का अभी तक? गाड़ी का हमें जो स्टार्टिंग में हमें जो नंबर आया था वो अल्टो गाड़ी का नंबर था, बाद में रियल नंबर भी हमें पता लग गया। तो जो वारदात हुई थी जो लड़के की किडनैपिंग का, उसमें हमारी जो टीम है एसपी सिटी साहब के अंडर में और डीएसपी ईस्ट और इंचार्ज साइबर क्राइम, एसएचओ मणिमाजरा और एसएचओ आईटी पार्क, बड़ी इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है और इसमें हमने अभी तक टोटल 4 अक्यूज को अरेस्ट किया है, जिसमें पंकज, मुकेश, विशाल और 3-4 लड़कों को हमने अरेस्ट किया। अभी जो एक अजय पंडित है वो अभी एब्सकॉन्डी है, बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे और इसमें जो यूज हुई थी जो कार वो आइडेंटिफाई होगी और इसमें जो अभी तक जो वेपन है, एक इसमें चाकू है वो यूज हुआ और इसमें एक टॉय पिस्टल यूज हुआ है जो अभी रिकवर करना बाकी है। अभी इनको कोर्ट में पेश किया गया, 4 दिन का रिमांड लिया गया, फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये तो कोई 22 साल का, कोई 28 साल का, जैसे कोई एमवे कंपनी में काम करता है, कोई फॉरएवर में काम करता है। तो ये सर इनका पहला क्राइम है? नहीं, ये अभी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि जैसे कोई राम दरबार के जो 2 लड़के शामिल है अभी उसका सारा डिटेल हम ले रहे हैं, बट हाँ जो अभी किशनगढ़ वाले अभी तक फिलहाल कोई ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी डिटेल वेरीफाई करने के बाद ही हम इसमें कुछ कह सकते हैं। मेरे जाओ इन्वेस्टिगेशन में सर कुछ सामने आया कि वो उनको छोड़ के वहाँ पर पंचकूला में क्यों चले गए? नहीं देखो, इसमें यह था कि हमारी मल्टीपल टीमें मतलब उसी टाइम एक्टिव हो गई थी और जो इन पर जो प्रेशर बिल्ड हो गया था वो उसका एक रीज़न यही था कि इसको इनको छोड़ना पड़ा। ये गाड़ी है, ये गाड़ी अजय की है, अजय है जो पहले इस पर फेक नंबर लगाया था, बाद में इसका ओरिजिनल नंबर जो HR03Y4270 के उसमें जो रियल में इसका नंबर है, बाद में ये नंबर। सर चारों को अरेस्ट हासिल किया? अभी को नहीं, अलग अलग जगह से अरेस्ट किया, राम दरबार से अरेस्ट किया, एक को हमने यहाँ से किशनगढ़ से अरेस्ट किया, 2 लड़कों। सर ये मामला व्यक्त की जा रही है कि जब ये छोड़ के गए तो शायद जो की रकम थी वो दे दी गई थी, क्या ये सही है? नहीं नहीं डैम, ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी कोई एक यूनिट की नहीं, मल्टीपल यूनिट की टीमें साथ में थी हमारे, वहाँ पे जहाँ पे ये जो लड़की जहाँ पे हमने भेजा था वहाँ पे ऑलरेडी अंडर द CCTV उसमें था, निगरानी कैमरों की निगरानी में हमने सारा वो कुछ किया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने वो किया तो, या कोई जो ऐसा कुछ होता तो हम आपके सामने रिकवरी दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अंडर नहीं नहीं ये रैकी कर रहे थे, क्योंकि पंकज और विशाल है ना वो इसके एकदम से पड़ोसी है और ये टाइम टू टाइम इनको मिलते भी रहते हैं, इसलिए वो इनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर रहे थे कि पास, क्योंकि ये विक्टिम की तरफ से पुलिस के पास आते रहे हैं तो ये पुलिस की एक्टिविटी इनको नज़र आती थी, तो इसलिए ये जो अपने कोवर्क्यूड है उनको टाइम टू टाइम ब्रीफ करते रहे कि पुलिस की पार्टियों का प्रेशर है, इतनी पार्टी है, तो वो बोला हमें ऐसा है कि हो सकता है उस चांस में ये मतलब इन्होंने रिस्क नहीं लिया और इसको ड्रॉप करने पर ये मजबूर हो। अभी टॉय पिस्टल यूज हुई है जो हमें पता लगा, लेकिन अभी वो बरामद नहीं हुई, रिमांड हमने लिया है, तो जब आप अभी 4 दिन का रिमांड देखो, इसमें जो पंकज है और जो विशाल है ना, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और आगे इन्होंने, हम किंग पिन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सारे को अक्यूज हैं, बराबर के भागीदार हैं, बाकी जो राम दरबार के जो ये जो रजत है और अजय और मुकेश है, ये सारे इसमें बराबर के भागीदार हैं। बिल्कुल इनके साथ ही होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इनके जी जी। तो सर ये पैसा कोई जैसे कि एक डील हुई थी प्रॉपर्टी की, नहीं इनका मैरिज है ना आने वाले टाइम में, इनके मैरिज कितने पैसे की डिमांड की है? मैं इनिशियली इन्होंने 50,000 की थी, फिर 50,00,000 की डिमांड की थी। छोटी बाइक कर लेते हैं, छोटी बाइक कर लेते हैं, आओ चलो।
प्रेस नोट अभी आ रहा है, बस क्या हाल है बढ़िया तो ये 15 तारीख को जो सारी टीम को दे, हाँ डेफिनेटली जिन्होंने बराबर मतलब काम किया तो सबको ही श्रेय जाएगा बिकॉज हम काम करते हैं। ये सर अजय रहने वाला कहाँ है इसका? ये बेसिकली बल्टाना में रहता है, पीछे ये हरियाणा का रहने वाला है, वो उसके इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है ये हमें पता लगा यार, वो सारी डिटेल हम ले रहे हैं। नहीं गाड़ी अभी बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, वो हमारी रीच में है तो हमारी पुलिस पार्टी गई है। तो अब मैंने आपको बताया ना कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्होंने अच्छी महंगी महंगी बाइकें ली हुई आई थिंक उनकी, BMW बाइक है इनके पास तो उनकी किस्तें वगैरह इनकी काफ़ी टूट चुकी है, तो एक ब्रेजा गाड़ी थी। हाँ जी अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, बाकी डिटेल के बाद उसके बाद मैंने आपको बताया है ना जो विशाल है और जो पंकज है वो इनके एकदम पड़ोसी हैं और साहब उनको क्योंकि वो जब कोई बंदा थाने में पुलिस के साथ टच में तो उसको पता है कि पुलिस क्या एक्शन ले रही है तो वो टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। चारों लड़के हैं इसके अलावा कोई और भी लड़के इनके साथ? अभी चार एक इसमें अरेस्ट करना बाक़ी है, उसको बहुत जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। मैं आपको बताया ना कि इसलिए किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस है इनके पास, इनका जो लाइफ स्टाइल है BMW की बाइक है, ब्रेजा कार है, इनकी किस्तें अभी ये जो इंस्टॉलमेंट है वो इनकी टूट चुकी है तो नहीं, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। नहीं अभी तो हमने फैमिली से क्या पूछेंगे, अभी तो हमने इनको रेस्ट ही किया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।